टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अराउंड 30,000 रुपीस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए ऐसे 5 स्मार्टफोन पिक किए जो कि इस रेंज के अंदर आने वाले काफी कमाल के पैकेज हैं। सो अगर आप यहां पर कॉम्पिटिटिव वगैरह खेलना चाहते हैं, अच्छी खासी कैमरा चाहिए, अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले चाहिए या फिर आपको अच्छी और बेहतर स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस लिस्ट को, और सबसे पहले हम बात करते हैं उन यूजर्स की जिन्हें इस बजट के अंदर एक टॉप नॉच कैमरा वाला फोन लेना है। सो आप यहां पर देख सकते हैं गूगल का पिक्सल 6a। फोन भी आपको यहां पर एल्युमिनियम की फ्रेम के साथ में और प्लास्टिक बैक के साथ में मिलता है, तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहां पर काफी अच्छे हैं। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.1 इंचेस की एक ओलेड पैनल, जहां पर आपको एसडीआर 10 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। 1100 नीट्स की ब्राइटनेस और 60 हर्ट्ज की आपको यहां पर रिफ्रेश रेट मिल जाती है। बट ओवरऑल डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। साथ ही कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहां पर दो ही कैमरास मिलेंगे, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ है 12.2 मेगापिक्सल का और यहां पर आपको OIS का सपोर्ट भी मिलता है साथ ही में, और दूसरा सेंसर भी आपको यहां पर 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है। सेल्फी की बात करें तो आपको यहां पर मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। इमेज आउटपुट की बात करें वाइज तो यहां पर डे लाइट और लो लाइट दोनों में ही कमाल की इमेजेस आपको मिलती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहां पर अल्ट्रा एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 60 fps, जहां पर आपको OIS का सपोर्ट भी मिलेगा। और दोस्तों फ्रंट से आप यहां पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 fps। कैमरास दोस्तों फोन के बहुत कमाल के हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है यहां पर गूगल टेंसर का चिपसेट जो कि 5nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। दोस्तों ये चिपसेट भी बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये स्मार्टफोन चिपसेट लगभग 7 लाख के आसपास अंततः स्कोर कर जाता है। आपको डेली परफॉर्मेंस और गेमिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन सभी के अलावा LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 वाला स्टोरेज दिया गया है, तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर टॉप नॉच मिलती है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो 4410mAh की आपको यहाँ पर बैटरी मिलेगी और 18W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी लगी है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, और साथ ही ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन एंड्रॉइड 13 का अपडेट बहुत ही जल्द इस फोन के अंदर आपको मिल जाएगा। रही बात दोस्तों यहाँ पर 3.5mm जैक और कार्ड ऑप्शन की, तो वो इस फोन के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। और दोस्तों ये फोन यहाँ पर IP67 रेटिंग के साथ में आता है, तो वाटर प्रोटेक्शन फोन है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और रही बात 5G बैंड की गई, तो यहाँ पर आपको लगभग सारे ही 5G बैंड का सपोर्ट भी मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 29,999 रुपए। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ, और अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ यहाँ पर पोको का F4 की। जी हाँ दोस्तों, ये आपको काफी प्रीमियम डिजाइन के साथ में मिलता है, यानी कि पूरी तरह से ग्लास बिल्ड पर बना हुआ फोन है, और बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ आपको यहाँ पर डिजाइन भी काफी अच्छा दिया गया है। हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, सो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। फोन की डिस्प्ले की बात कर ले तो 6.67 इंच की बड़ी सी E4 AMOLED पैनल का सपोर्ट आपको मिल जाता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर टॉप नॉच मिलती है, डिस्प्ले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। कैमरास की बात करें तो बैक में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं, मेन कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का और यहाँ पर आपको OIS भी मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 20 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, डे लाइट में फोटोज भी आपको यहाँ पर काफी कमाल की देखने को मिल जाती है। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 fps। बैक कैमरा से आपको यहाँ पर अल्ट्रा एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है अप टू 30 fps, तो ये भी अच्छी बात है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 7nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट, जो कि दोस्तों इस बजट के अंदर आने वाला काफी तगड़ा चिपसेट है। साथ ही साथ लिक्विड कूलिंग चैम्बर दिया गया है और ये स्मार्टफोन लगभग 7.5 लाख के आसपास अंततः पर स्कोर कर जाता है। सो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे फोन के अंदर आपको LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज भी दिया गया है। सो गाइस परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 4500mAh की बैटरी दी गई है, जहाँ पर 67W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स और साथ ही साथ ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, जहाँ पर आपको मिलता है MIUI का 13, लेकिन दोस्तों बहुत जल्द आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों यहाँ पर आपको 3.5mm का जैक और कोई भी कार्ड ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अप टू 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। सो अगर आप इस बजट के अंदर एक अच्छा खासा ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन लेना चाहें तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 6 और 128 के लिए आपको नॉर्मली यहाँ पर 28,000 रुपये तक पे करने पड़ेंगे। बड़ों से बैंक ऑफर्स पर ये जो स्मार्टफोन है आपको 25 से 26,000 रुपये की प्राइस पर इजीली मिल जाता है। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं लिस्ट के वन ऑफ द किलर गेमिंग फोन की, और दोस्तों ये स्मार्टफोन है यहाँ पर आईको का ही 9SE।
बिल्ड पर मिलने वाला है, पर बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर काफी अच्छे हैं। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो 6.62 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल का सपोर्ट मिल जाता है, पैंडा ग्लास का सपोर्ट दिया गया है, एचडीआर 10 प्लस का सर्टिफिकेशन, 1200 नीट्स की ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। सो डिस्प्ले बजट के हिसाब से बहुत अच्छी है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जहाँ पर आपको ओआईएस का सपोर्ट मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर दिया गया है। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, डे लाइट और लो लाइट में काफी अच्छी फोटोज भी आती हैं। वीडियो की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पर बैक कैमरा से अल्ट्रा एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 60 FPS और फ्रंट से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। सो फोन के कैमरास भी काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें स्मार्टफोन के चिपसेट की दोस्तों, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 888 का चिपसेट और दोस्तों ये बना हुआ है 5nm की फैब्रिकेशन पर। साथ ही में आपको यहाँ पर काफी अच्छा लिक्विड कूलिंग चैम्बर भी मिल जाता है। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात कर लें तो ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 8.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। तो भाई यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है वो बटरी स्मूथ रहती है, आप यहाँ पर बटरी स्मूथ गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR5 की रैम, UFS 3.1 वाला स्टोरेज आपको मिल जाता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती। पावर हाउस की बात कर ले तो 4500 mAh की बैटरी और 66 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स और दोस्तों ये फोन भी रन करता है एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन बहुत जल्द आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी मिल जाएगा। वैसे 3.5mm जैक और कार्ड ऑप्शन यहाँ पर भी आपको नहीं मिलने वाले, तो इस बात को भी आप ख्याल में रखिएगा। सो देखा जाएगा इस तो मोस्ट पावरफुल फोन है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की दोस्तों, तो 8 और 128 के लिए अभी आपको देने होंगे 29,999 रुपए। सो गाइस अब बात करते हैं उन यूजर्स की जिन्हें इस बजट के अंदर स्पेसिफिकेशन तो कमाल की चाहिए ही, साथ ही साथ अच्छे कैमरास और एक यूनिक लुक चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नथिंग का फोन 1। तो ये फोन आपको एल्युमिनियम की फ्रेम और पूरी तरह से ग्लास बिल्ड पर मिलता है। बिल्ड क्वालिटी तो काफी स्ट्रॉन्ग है ही, साथ में आपको यहाँ पर काफी सारी नोटिफिकेशन लाइट्स वगैरह दी गई है, IP53 रेटिंग के साथ में आता है, यानी कि हल्की फुल्की वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन आपको यहाँ पर काफी कमाल का दिया गया। वैसे डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली ओलेड पैनल जो कि 10 बिट की पैनल है, साथ ही साथ 700 नीट्स की ब्राइटनेस, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको यहाँ पर तगड़ी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिलते हैं, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और यहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ 50 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस भी दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो गाइस कैमरा सेटअप अच्छा है, साथ साथ आपको यहाँ पर डे लाइट में फोटोज भी काफी कमाल की मिलती है, लो लाइट में यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी डिसेंट इमेजेस देखने को मिलेंगे। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर अल्ट्रा एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS और फ्रंट से आपको यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस्ड Qualcomm Snapdragon 778G प्लस का चिपसेट और गाइस ये चिपसेट बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल कर देता है, अंततः पर लगभग 6 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है और भाई परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेमिंग भी कराता है। और इन सभी के अलावा LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। वहीं पर फोन की पावर हाउस की बात कर लें तो बैक में आपको यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी दी गई, 33 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी दी गई है। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स और साथ ही साथ ये फोन एंड्रॉइड 12 पर आता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको काफी क्लीन UI मिल जाता है, कोई ब्लॉटफेस वगैरह नहीं होती, तो ये बहुत अच्छी बात है। सो अगर आप यहाँ पर एक यूनिक डिजाइन, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे कैमरास वगैरह लेना चाहें तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 8 और 256 के लिए आपको देने होंगे 29,999 रुपए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं लिस्ट के आखिरी फोन की और आखिरी स्मार्टफोन हमने रखा हुआ यहाँ पर IQ का Neo 7। जी हाँ दोस्तों अभी रिसेंटली ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है और बात करें इस फोन की तो डिजाइन और लुक के मामले में ये स्मार्टफोन भी काफी कमाल का है। हालांकि प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ पर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर 6.78 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली एमोलेड पैनल आपको मिल जाती है, पैंडा ग्लास का सपोर्ट दिया गया है, 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिलती है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट और 1200 हर्ट्ज की इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट भी आपको मिल जाती है। सो डिस्प्ले क्वालिटी गेमिंग के लिए तो सुपर है। कैमरास की बात करें तो बैक में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं, मेन कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का, साथ ही साथ आपको यहाँ पर OIS का फीचर भी मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। गेमिंग स्मार्टफोन के तौर पर देखेंगे तो कैमरा सेटअप फोन का अच्छा दिया गया है, डे लाइट और लो लाइट दोनों में ही फोटोज यहाँ पर अच्छी आ जाती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30 FPS। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप यहाँ पर परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 4nm बेस MediaTek Dimensity का 8200 का चिपसेट और साथ ही साथ फोन के अंदर एक अच्छा खासा लिक्विड कूलिंग चैम्बर भी दिया गया है।
जिससे ये फोन गर्म काफी कम होता है और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन ऑनसेतु पर लगभग 8,25,000 के आसपास स्कोर करता है। सो गेमिंग तो दोस्तों यहाँ पर आपको टॉप नॉच मिलती है और इतना ही नहीं LPDDR5 की रैम लगी हुई है, UFS 3.1 का स्टोरेज भी लगा हुआ है, सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर टॉप नॉच निकाल कर देता है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको 5000mAh की बैटरी और 120 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है और ये जो स्मार्टफोन है लगभग 25 मिनट के अंदर 100% चार्ज हो जाता है, तो ये भी काफी कमाल की बात है। चलिए कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें। यहाँ पर आपको मिलता है एक ऑप्टिकल अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स और साथ ही साथ एंड्रॉइड 13 के साथ में स्मार्टफोन आता है, लेकिन आपको यहाँ पर 3.5mm का जैक और कोई भी कार्ड ऑप्शन देखने को नहीं मिलते और साथ ही साथ दोस्तों ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छी बात है। सो फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 8 और 128 के लिए आपको देने होंगे लगभग 29,999 रुपए और देखा जाए गाइस तो इस प्राइस पॉइंट पर डेफिनेटली काफी धमाकेदार गेमिंग फोन है, आप चाहे तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों ये थे वो स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं अराउंड 30,000 रुपीज की प्राइस पर, आप चाहे तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों हमने सभी के बेस्ट बाय लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप उन्हें एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा और उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।